मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के सिमारा पहुंचे अफ्रीकी चीता ओमाना का रेस्क्यू कर लिया गया है। ओमान के रेस्क्यू में वन विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी, तो वहीं पकड़ने के बाद वापस कूनो ले जाया गया है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट और जानिए पूरा मामला। कूनो से राजस्थान आया ओमान, चीते ने की चंबल नदी पार, रेस्क्यू के दौरान छूटे पसीने। राजस्थान के सिमारा गांव में उस वक्त दहशत फैल गई जिस वक्त गांव में ओमान चीते के घुसने की खबर मिली। कूनो से राजस्थान पहुंचने का रास्ता ओमान के लिए आसान नहीं था, एक तरफ गर्मी की मार तो दूसरी तरफ दुर्गम रास्ते, लेकिन चीता ओमान इन चुनौतियों को पार कर राजस्थान के सिमारा गांव आ पहुंचा। दरअसल चीता ओमान मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर राजस्थान के सिमारा पहुंचा था, जिसके बाद अफ्रीकी चीता ओमान का रेस्क्यू किया गया। चीते के रेस्क्यू के लिए कूनो अभ्यारण की वन टीम और चिकित्सकों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। रेस्क्यू के बाद कूनो अभ्यारण की ओर से अफ्रीकी चीता ओमान के मिलने की पुष्टि की गई। रेस्क्यू टीम का कहना था कि कूनो अभ्यारण से निकलकर श्योपुर के रास्ते भटकते हुए अफ्रीकी चीता ओमान चंबल नदी पार कर मंडरायल क्षेत्र के सिमारा गाँव में आ गया था। चीता को ग्रामीणों ने देखा और फिर इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ओमान के होने की पुष्टि हुई। फिर कूनो अभ्यारण की टीम सिमारा गांव आई और चीते का रेस्क्यू कर उसे वापस लेकर लौट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।